बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस सा चीज़ी क्रीमी पास्ता की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंस्टेंट आप बना सकते हैं, जब भी कभी मूड हो आपका तो फ़ौरन से ये रेडी हो जाता है। तो चलिए जी, इस पास्ता की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पर आज हम बना रहे हैं चीज़ी पास्ता। तो इसकी रेसिपी, सबसे पहले पानी को बॉयल होने के लिए रख दीजिए। जब पानी में बबल्स आने स्टार्ट हो जाएँ तो उसके अंदर सॉल्ट और 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है, और उसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर देनी है। इससे क्या होता है कि मैक्रोनी आपस में चिपकती नहीं है, और सॉल्ट की वजह से मैक्रोनी का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और फिर जब 15 मिनट में ये बॉयल हो जाए तो आपने ठंडे पानी के अंदर से गुजार कर और उसके एक साइड पर रख देना है। अब उसके बाद इसकी फिलिंग को रेडी कर लेते हैं। फिलिंग के लिए फ्राई पैन में ऑयल ले लीजिए और उसके अंदर ऐड कर दीजिए श्रेडेड चिकन और कैप्सिकम ऐड कर लीजिए। अब आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, जितनी क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद वेज कुटिया या लाल मिर्चा तो नमक पा लो। तुम अपने हिसाब ना, तुम्हें बहुत तिखा पसंद है तो थोड़ी ज़्यादा पा लो, ये थोड़ा हल्का मसाला तो सही पसंद कर दें तो फिर थोड़ी जी हल्की कर लियो, अपने हिसाब ना तो उसे पा लो। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो चिली सॉस ऐड कर लिया था और सोया सॉस ऐड कर लिया था। मैंने कहा थोड़ी सी पंजाबी में बात करनी चाहिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और जो है बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और इसके अंदर जो है वो ब्लैक पेपर भी ऐड कर ली थी। स्पाइसी तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, जितना आपको पसंद हो। अच्छा, इसके बाद ये कॉर्न्स ऐड, कॉर्न्स जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा सीज़न में है, और ये जो है ना ये मार्केट वाले कॉर्न्स नहीं है, बल्कि ये जो है हमने ख़ुद ही फ्रीज़ किए हुए होते हैं। ये सूप वगैरह में, कटलेट्स में, किसी भी चीज़ में ऐड करने हो तो बहुत आसानी होती है। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो मेरे ख्याल से तो लो बजट में भी कुछ करना चाहिए, वैसे ही आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो जो चीज़ें आप खुद कर सकते हैं तो थोड़ी सी मेहनत खुद कर लें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ इस तरह की चीज़ें शेयर करती रहूँगी। तो अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना है, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अच्छा, तो फिलिंग यहाँ पर रेडी हो गई थी, मैंने उसको एक साइड पर रख दिया है, और घी या बटर कोई भी चीज़ जो भी अवेलेबल हो उसको हल्का सा हीटअप किया था, और उसके अंदर लहसुन पाउडर ऐड कर दिया था। जब उसका बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा अरोमा आना स्टार्ट हो गया था, तो फिर इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून चिकन पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट और 3 से 4 टेबल स्पून मैदा ऐड किया था, और यहाँ पर इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो फिर उसके अंदर 3 से 4 कप दूध ऐड कर दीजिए, ताकि हम अच्छी सी इसकी वाइट सॉस। तो जी यहाँ पे करना है इसको अच्छी तरह से मिक्स मिक्स मिक्स, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे। मेक श्योर कि फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कुक किया था। और मिल्क जो है वो एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड कर लीजिए मिक्स के। जितनी अच्छी वाइट सॉस रेडी होती है, पास्ता का टेस्ट भी उतना ही अच्छा होता है और उतना ही क्रीमी टेक्स्चर आता है। तो आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको बहुत ही केयरफुली कुक करना है, और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून, 1 से 2 टेबल स्पून ऑप्शनल है, मुझे ओरिगानो का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर लेती हूँ। अगर आपको इसका फ्लेवर स्ट्रांग लगे तो फिर आप 1 टेबल स्पून ऐड कर लीजिएगा। ऐड करके इसको अच्छे से कुक करना है, और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर लेनी है चेडर चीज़। इसको मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है, ऑलमोस्ट 100 ग्राम चेडर चीज़ है, और इसको ऐड कर देना है वाइट सॉस में, ताकि साथ साथ ये भी मेल्ट हो के, तो इसका बहुत अच्छा सा बहुत क्रीमी सा टेक्स्चर आया है। बहुत ही स्मूथ वाइट सॉस रेडी हुई है, आप भी सेम इसी तरह से बनाइएगा। और जो फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो रखना है, स्लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे। बस इसमें 2-3 बातों का ख्याल रखना चाहिए, एक तो स्लो फ्लेम आपने रखनी है, और दूसरा आपने इसको कंटिन्यू मिक्स करते जाना है। इन 2 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी वाइट सॉस कभी भी ख़राब नहीं होती है, कभी भी उसमें लम्स नहीं आते हैं। मैं उन गर्ल्स के लिए, उन बिगनर्स के लिए बता रही हूँ जिनसे अक्सर वाइट सॉस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब जो है इसके अंदर फिलिंग ऐड कर देनी है। फिलिंग ऐड करने के टाइम भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने स्पाइसेस वगैरह का आपको इतना आइडिया नहीं है, आपने अभी कुकिंग स्टार्ट की है, तो आप यहाँ पर स्पाइस टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास फिलिंग के स्पाइसेस भी ऐड हो गए हैं और वाइट सॉस के भी हो गए हैं। तो आपको कुटी लाल मिर्च, नमक या फिर कुटी काली मिर्च अगर ऐड करनी है तो आप
उनको ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद हमने पास्ता ऐड कर लेना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, और बस ये हो गई है खाने के लिए रेडी। और लिटरली भूख नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत मज़े की लग रही है। कर रही हूँ इसका ट्राई, आप भी ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्या मज़ीद मुझे इस तरह की कुकिंग वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर वेट करूँगी, और यहाँ पर अफसर से टेस्ट करवाते हैं और पूछते हैं कि कैसी अफसर है। टेस्ट करके बताएं कैसी बनी है। वेरी नाइस। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।